अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे द क्लास फर्स्ट ईयर। और आज हम जो है मतलब कि हमारा जो टॉपिक जो है वो है मतलब बेसिकली कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। अभी कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस जो था वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी जो है एक्सप्लेन किया था कि कंडेंसेशन क्या होता है और हाइड्रोलाइसिस क्या होता है। बेसिकली कंडेंसेशन का एक प्रोसेस होता है, कंडेंसेशन को जो है हम क्या कहते हैं यार, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। अभी बेसिकली कंडेंसेशन एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए क्या होते हैं कि सिंथेसिस होते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स। लार्ज मॉलिक्यूल्स के बनने की फॉर्मेशन को हम कंडेंसेशन कहते हैं, और कंडेंसेशन का जो दूसरा नाम है वो क्या है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। और डिहाइड्रेशन, डी का मतलब होता है आउट, हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर। मतलब क्या होता है कि वाटर जो होगा वो रिमूव होगा, उसके बाद जो होगी ना वो बॉन्डिंग बन जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, जैसे क्या होता है कि अमाइनो एसिड्स जो होते हैं ना वो आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। तो प्रोटीन्स क्या होती है, प्रोटीन्स एक्चुअली द पॉलीमर ऑफ द अमाइनो एसिड्स होता है। अब ये प्रोटीन्स आप अमाइनो एसिड्स आपस में मिलेंगे, एक अमाइनो एसिड है दूसरा अमाइनो एसिड है, सही है। अभी एक अमाइनो एसिड क्या करेगा, वो OH को रिलीज़ करेगा और दूसरा H को, जिसके नतीजे में वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो रिलीज़ हो जाएगा और इनके अंदर क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग बन जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। मतलब जो लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होता है ना वो बनने के प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी बॉडी में जो होते हैं ना दो टाइप्स के रिएक्शन होते हैं, एक ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें कोई चीज़ बन रही होती है, और एक ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें कोई चीज़ टूट रही होती है। अगर किसी चीज़ का बनना हो तो वो कहलाती है कंडेंसेशन, और किसी चीज़ का टूटना हो उसका अपोजिट वो होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा। अच्छा, अभी कंडेंसेशन में जो होता है ना मोनोमर मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, सही है। उससे पहले भी जो है ना हमारा जो सेल है ना, सेल के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं ना, मोस्टली मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या कर रहे हैं, लाइफ की जो भी एक्टिविटी है ना उसको जारी रख रहे हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं और एक होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स को वो मॉलिक्यूल्स होते हैं हैविंग अ मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ना 1000 जो होता है ना डाल्टन होता है। हैविंग अ मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ना क्या होता है, 1000 जो है ना डाल्टन होता है। मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो, 1000 डाल्टन से जो है ना ज़्यादा हो, तो वो जो होते हैं ना मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। अब मैक्रो मॉलिक्यूल्स में जो एग्जांपल्स जो है ना वो हमारी आ जाती है प्रोटीन्स, उसके बाद जो है ना हमारा पॉलीसेकेराइड, अच्छा देन देखो है लिपिड, और फिर जो है ना न्यूक्लिक एसिड। अभी ये सब के सब मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, और दूसरे जो होते हैं ना वो होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं हैविंग अ मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ना लेस देन 1000 डाल्टन, जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ना 1000 डाल्टन से कम हो तो वो जो होता है ना माइक्रो मॉलिक्यूल कहलाता है। अब माइक्रो मॉलिक्यूल्स के जो एग्जांपल्स जो है ना वो है अमाइनो एसिड, उसके बाद जो है ना अमाइनो एसिड्स के बाद मोनोसेकेराइड,
मोनोसेक्राइड्स के बाद जो होते हैं हमारे ग्लाइसरोल, फैटी एसिड और प्लस में न्यूक्लियोटाइड्स, तो ये सब के सब जो है ना हमारे क्या कहलाते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। माइक्रो और मैक्रो में यही डिफरेंस होता है, सही है। आप कह सकते हैं कि जो माइक्रो होते हैं वो मोनोमर में कंसीडर होंगे और जो मैक्रो होंगे ना वो पॉलीमर में क्या होंगे, कंसीडर होंगे। तो ये सारा का सारा प्रोसेस है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बनने के प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं, सही है। अभी देखें फॉर एग्जांपल एक मिसाल दे रहा हूँ, जैसे एक ट्रेन होती है, ट्रेन किससे मिलकर बनती है, डब्बे जो होते हैं जिनको रेल कार जो डब्बे होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, ट्रेन बनाते हैं पूरी की पूरी। ऐसे ही जो होते हैं ना मोनोमर मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, सही है। तो पॉलीमर्स जो होते हैं वो मोनोमर से मिलकर ही बनते हैं। मोनो का मतलब होता है सिंगल और मर का मतलब होता है यूनिट आर द मॉलिक्यूल्स। मोनोमर, मोनो मींस सिंगल एंड मर व्हिच मींस मॉलिक्यूल्स आर द यूनिट। अच्छा, उसके बाद होते हैं पॉलीमर। अब पॉलीमर जो होते हैं ना, पॉली का मतलब होता है मैनी एंड मर का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स आर यूनिट। तो मोनोमर मिलकर पॉलीमर बनाते हैं। तो जैसे पॉलीमर क्या है, प्रोटीन है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस इसी में ही होता है। अच्छा, अभी उसके बाद जो है ना इसका इन्वर्स जो प्रोसेस होता है वो होता है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, व्हाट इज़ अ हाइड्रोलाइसिस? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। मतलब के लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना उनके टूटने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, सही है। मतलब पानी जो है ना वो ऐड करेंगे जिसके नतीजे में क्या होगा, वो मॉलिक्यूल्स जो होंगे ना वो टूट जाएंगे। तो हाइड्रोलाइसिस एक्चुअली जो है ना एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल्स। मतलब लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होता है ना उसका टूटना वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस में जो है ना वाटर की एडिशन होती है। मतलब पॉलीमर जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, मोनोमर में कन्वर्ट होते हैं। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था, जैसे हमारी बॉडी है ना उसमें क्या होती है, प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन्स हमें कैसे मिलेगी, प्रोटीन्स जो है ना मोनोमर मिलकर क्या बनाएंगे, प्रोटीन बना देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अमीनो एसिड मिलेंगे आपस में, बॉन्डिंग होगी उनके अंदर, तो फिर क्या बन जाएगी, प्रोटीन बन जाएगी। तो वो प्रोसेस कहलाएगा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन को हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं। अभी उसके बाद सेकंड में क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस। अभी हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा कि हाइड्रोलाइसिस में फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में प्रोटीन तो है मगर हमारे पास अमीनो एसिड्स के जो है ना वो एब्सेंट हैं, वो नहीं है। तो क्या होगा कि प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी में पड़ी है ना ये ब्रेकडाउन होगी, ये टूटेगी। टूटने के बाद जो है ना ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, अमीनो एसिड्स में। तो वो जो प्रोसेस जो होगा ना वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस और जो होता है ना कंडेंसेशन, ये एक दूसरे के इन्वर्स जो है ना प्रोसेस होते हैं। अच्छा, अभी मेटाबॉलिज्म होता है ना, तो फिर क्या होता है कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो ब्रेक डाउन होते हैं, सही है। और वो जैसे हम क्या करते हैं, कोई खाना वगैरह खाते हैं, हेटरोट्रॉफ होते हैं ना, डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करने के बाद उसको माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो ब्लड में एब्जॉर्ब होकर सेल में जाते हैं, अगेन जो है ना वो क्या होते हैं, वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, सही है। तो ये सारा का सारा जो है ना ये कंडेंसेशन कहलाता है। और अगर वो दोबारा से टूटेंगे तो वो फिर क्या कहलाएंगे, वो हाइड्रोलाइसिस कहलाएंगे, सही है। तो ये सारा का सारा ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। अभी ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक मतलब के सेल्फ नोरिशमेंट।
सेल्फ नोरिशमेंट जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, ऑटो ट्रॉफिक होते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफिक कुछ मीन्स अ फूड, मतलब जो अपना खाना जो है ना वो खुद बनाते हैं ना, तो वो क्या कहलाते हैं, ऑटो ट्रॉफिक कहलाते हैं। अभी ऑटो ट्रॉफिक क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक में से ना ऑर्गेनिक की फॉर्मेशन करते हैं। इनऑर्गेनिक में से जो है ना ऑर्गेनिक की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, तो वो जो होते हैं ना वो क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। अभी ऑटोट्रॉफिक का जो एग्जांपल है वो कैसे, जैसे वाटर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड। अभी कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है ना, दोनों के दोनों क्या है, इनऑर्गेनिक हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर, सही है, ये सनलाइट और ये क्या, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, सही है। तो क्या होगा, इसकी प्रोडक्ट जो होगी ना, कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है ना, दोनों के दोनों क्या हैं, ये इनऑर्गेनिक हैं। सही है, ये इनऑर्गेनिक क्या है, ये मॉलिक्यूल हैं। अभी इनमें से क्या बनाएंगे, ये ग्लूकोज बनाएंगे, C6H12O6, और प्लस में जो होगा ना क्या होगा, ऑक्सीजन जो होगी ना वो बाय प्रोडक्ट होगी। तो ये क्या है, ये ऑर्गेनिक है। ग्लूकोज क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो ये सारा का सारा जो है ना ये इस्तेमाल होता है इसी में। अभी सोर्स टू सिंक सेल, सोर्स सेल वो सेल होते हैं जिनमें क्या होता है, फूड वगैरह जो है ना बन रहा होता है। अब ऐसे समझें कि सोर्स सेल जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं। अब फोटोसिंथेटिक सेल्स वो जो मीजोफिल होते हैं, जो पत्तों में होते हैं, सही है। अभी फूड आपको पता है कि किचन जो होता है ना, किचन ऑफ प्लांट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, लीव्स होते हैं। किचन ऑफ प्लांट जो होता है वो हमारा लीव्स होता है, मतलब खाना जो होता है ना वो किस में बनता है, वो बनता है लीव्स में, सही है। उसके बाद खाना वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है टू जो होता है ना अदर पार्ट जो होता है ना ऑफ द जो प्लांट होता है ना उसमें, तो वो जो दूसरे पार्ट में जो ट्रांसफर होता है ना उसको कहते हैं सिंक सेल। सही है, सोर्स सेल्स वो होते हैं यूटिलाइजिंग सेल्स, और सिंक सेल फॉर एग्जांपल जैसे रूट्स के सेल हो गए, सही है, या आप कह सकते हैं कि यूटिलाइजिंग सेल्स वो जो यूटिलाइज करे, मतलब उस चीज़ को जो है ना इस्तेमाल करे, तो वो जो होते हैं ना वो कहलाते हैं सिंक सेल कहलाते हैं। तो सोर्स टू सिंक जो होती है ना क्या होती है, ट्रांसफ़र होते हैं। सोर्स टू सिंक सेल जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये सारा का सारा प्रोसेस जो होता है ना, ये हाइड्रोलाइसिस और ये कंडेंसेशन में ही होता है। मतलब कंडेंसेशन वो जिसमें जो है ना लार्ज मॉलिक्यूल्स बने, और हाइड्रोलाइसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो ब्रेक डाउन होते हैं। तो ये सारा का सारा जो है ना रिलेटेड क्या है, ये इसी से ही है। तो अभी आपको जो भी क्वेश्चंस वगैरह करने हो, आप कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चंस करें, हम जो है ना आपको उसकी आंसरिंग करेंगे इंशाल्लाह। जो है ना आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो पिछले टॉपिक्स में, कोई भी बात समझ में ना आई हो या कोई भी रिपीटेशन हो, तो आप जो है ना कमेंट्स बॉक्स को जो है ना वो करें, और बेल के बटन को दबाएं, लाइक्स करें। सही है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।